अगर आप लोगों से पूछेंगे कि आप इतना खाना क्यों खाते हैं, इतनी मिठाइयाँ क्यों खाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे यार मुझे मज़ा आता है। वहीं अगर आप उनसे पूछेंगे कि वर्कआउट क्यों नहीं करते हो, तो वो बोलेंगे मुझे वर्कआउट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ये वही लोग हैं जो दिन भर खेलते रहते थे और इनकी मॉम्स को इनको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाना पड़ता था कि बेटा खेल कूद हो गया, अब खाना खा लो। और आज ये वही लोग हैं जिनको खाने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, जिनको खेलने कूदने के लिए बोलना पड़ता है। तो क्या चेंज हो गया? सराउंडिंग्स। क्या है कि बचपन में आपके आजू बाजू वाले सब बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, उनको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, उनको खेलने में मज़ा आता था, तो वो आपके लिए मज़ा हो गया था। अब आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, उनको खाने में मज़ा आ रहा है, तो उनका मज़ा आपका मज़ा हो गया। अगर आप किसी स्मोकर और ड्रिंकर के साथ में आप रहोगे, तो इवेंचुअली आप भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना चालू कर दोगे। अगर आप किसी गैम्बलर के साथ रहोगे, तो आप गैम्बलिंग करना चालू कर दोगे। अगर आप कुछ फिट लोगों के साथ रहोगे, तो जाहिर सी बात है आप भी फिटनेस में मज़ा लेना शुरू कर दोगे। कई बार क्या होता है कि लोग अपने विल पावर को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं और सराउंडिंग्स को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सराउंडिंग्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल, सो बी वेरी वाइज विद द कंपनी यू कीप।